21-22 तक। जी यानी कि ब्याज नहीं पड़ेगा जी, कुल मिलाकर जो उनकी संस्तुतियां थी उनको मोटे तौर पर लागू कर दिया गया है। इस पर मंत्रिपरिषद की आज मोहर लगेगी। नेक्स्ट का प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुबंध कराए जाने विषयक जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई और ये मंत्रिपरिषद के सामने आया था। इसमें 29 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने की का प्रस्ताव आया था, उस पर सहमति मिल गई। द मैटर इश्यू था अमेठी परियोजना, ये 713.75 करोड़ रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर इसको 4.67 यानी इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पहले 17 में आई थी, उसके बाद 22 में कई कई चीज़ें उसी के आधार के ऊपर आगे बढ़ी, तो जो 22 की जो नीति है उसमें अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी लैंड परचेज पर, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था भी थी, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये भी था कि कैपिटल सब्सिडी अगर ना हो तो SGST में जो कुछ भी वो जमा करे उसका रिइम्बर्स हो जाए, उसको उतना पैसा वापस मिल जाए। तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये ऑप्ट किया कि हम SGST में छूट प्राप्त करेंगे, तो उस आधार पर आज मंत्रिमंडल के द्वारा इन चारों कंपनियों को अमेठी परियोजना, प्रयागराज परियोजना, गोरखपुर परियोजना, चित्रकूट परियोजना, ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया और इसमें जो उनको छूट दी गई है अमेठी परियोजना को 4.67, 25.08 प्रयागराज परियोजना को, 25.22 करोड़ गोरखपुर परियोजना को और चित्रकूट परियोजना को 26.77 करोड़। अर्थात ये SGST के माध्यम से इतना पैसा उन्होंने जमा किया ये उनको रिइम्बर्स हो जाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि चूंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर एतराज़ किया कि ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी, लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सो मोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को
ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो यह था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आज आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया। नेक्स्ट, ये उद्यान विभाग का था और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भारत सरकार की ये भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में, खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है जहाँ पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खासतौर से वन विभाग की जमीन पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। इसमें 200 मीटर तक वर्ग मीटर तक जो टावर लगाने के लिए देश में मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु संतृप्ति हेतु सरकार की योजना के क्रियान्वयन के प्रदेश में विभिन्न जनपदों के चिन्हित 361 गाँव को परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर का निर्माण किए जाने के लिए 200 वर्ग मीटर ग्राम सभा की भूमि जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के हेतु मंत्रिपरिषद के सामने आज प्रस्ताव आया था जिसके ऊपर अनुमोदन मिल गया। इसके बाद अब किसी प्रकार का न तो लीज रेंट या फिर प्रीमियम उससे छूट मिल गई ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए जिन क्षेत्रों को खासतौर से जहां पर मोबाइल की फैसिलिटी अभी तक संतृप्त नहीं थी। इसके अलावा कृषि विपणन ई नाम ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी मंडी अधिनियम के में आज संशोधन किया गया है। प्रदेश के कृषकों को कृषि उत्पाद हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार ई नाम उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में विनिर्देश कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 1965 के नियम 70 के उपनियम 4 में प्रतिबंधात्मक खंड बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। ये मंडी परिषद में रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस विषय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उसके बाद नियम 70 में इस प्रस्ताव के आने का उद्देश्य यह था कि अभी तक हमारे जो किसान हैं वो अपने प्रदेश से बाहर अपना माल नहीं बेच सकते थे, उसको अलाउ करने के लिए खासतौर से उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव आज आया है। और इसमें ये मंडी उत्पादन 28वां संशोधन 2023 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में आज जो प्रस्ताव आया उस पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी है। इसमें इसके माध्यम से यानी आज के बाद अब जो हमारे किसान हैं वो अपना माल प्रदेश के बाहर भी बेच सकते हैं और बाहर के किसान भी अपना माल यहाँ पर बेच सकते हैं। किसी लाइसेंस शुल्क तथा धरोहर राशि को जमा कराए बिना 3 दिवस के अंदर लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे लाइसेंस धारकों को संबंध में अग्रतर दिशा निर्देश संबंधित राज्यों के मंडी परिषद तथा निदेशक उत्तर प्रदेश मंडी परिषद की आपसी सहमति एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अनुमति के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर जारी किए जा सके। कुल मिलाकर किसानों की को लाभकारी मूल्य मिले, वो अपना मार्केट प्रदेश के बाहर भी मार्केटिंग कर सके, इसलिए ये प्रस्ताव आज संशोधन के रूप में मंडी परिषद नियमावली में 28वां संशोधन के रूप में आज मंत्रिपरिषद पर इस
सहमति मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था 19/5/2023 को, इसमें खासतौर से एक विषय है कि न्यायिक उत्तर प्रदेश शासन वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशनरी लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में आवश्यक सहमति आदेश प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जिन न्यायिक अधिकारियों को अगर 30 तारीख को वो रिटायर हुए हैं और 1 तारीख से उनका एक वेतन वृद्धि लगना है तो उनको पेंशन के मात्र उद्देश्य से इसको यह अनुबंध कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसी के अनुपालन में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव आया कि न्यायिक अधिकारियों को जो लोग पेंशन प्राप्त करने जा रहे हैं 1 तारीख से, 30 तारीख को अगर जो रिटायर हो गए और 1 तारीख को अगर उनकी वेतन वृद्धि ड्यू है तो उनको ये वेतन वृद्धि का लाभ केवल पेंशन के प्राप्त करने के उद्देश्य से दे दिया जाए। विधानमंडल का सत्र कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। 4 दिन का सत्र था और आज मंत्रिपरिषद के समक्ष सत्रावसान का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि पीडियाट्रिक सेंटर पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का निर्माण हो, उसी के संबंध में आज मंत्रिपरिषद का ये प्रस्ताव आया है कि 2 चरणों में 500 बेड का 573 बेड का ये एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर इसमें बनाया जाए। आज खास तौर से 199 करोड़ 10,52,000 रुपए का जीएसटी सहित इसकी कीमत आकलित की गई, जिसमें 308 बेड का फर्स्ट फेज को मंजूरी दी गई। इसमें प्रथम चरण में 12 विभाग इसमें शामिल किए जा रहे हैं और खास तौर से एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर ये पीजीआई में मंजूर हो गया। 24 महीने में इसको बनवाने के लिए प्रस्ताव आया था, मुख्यमंत्री जी ने 18 महीने में निर्देश दिया है कि इसको 18 महीने में पूर्ण किया जाए। इससे बच्चों के जितने भी प्रकार की बीमारी हैं वो उसका इलाज इस पीजीआई में सकुशल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त बनवाला वापस हो गया ऊर्जा विभाग, ये हरदुआगंज ये 660 मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना का जो अनुमोदित परियोजना की लागत 6011 करोड़ में निर्माणाधीन ब्याज के कारण 273.15 करोड़ की वृद्धि, स्टार्टअप फ्यूल इनफर्म पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं FGD SCR सिस्टम हेतु लाइम स्टोन एवं अमोनिया की लागत 4.50 करोड़ रुपए की वृद्धि सहित कुल धनराशि 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना को तृतीय परियोजना की जो पुनरीक्षित लागत है वो 6352.14 करोड़ रुपए पर अनुमोदन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव आया। यानी अभी तक ये परियोजना बहुत पुरानी है, यद्यपि इस पर जो हमारा जनरेशन का काम है वो प्रारंभ हो चुका है और ये फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया गया। इसमें 340.31 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण ये प्रस्ताव आया था, मंत्रिपरिषद ने आज इसके ऊपर मंजूरी दे दी। इसमें खासतौर से 273.15 करोड़ रुपए ब्याज के और जो अभी तक की कीमत पड़ी वो 62.66 करोड़ रुपए उसके और 4.50 करोड़ रुपए जो कुछ भी पर्यावरण के संबंध में जो हमारे आवश्यक लाइम स्टोन एवं अमोनिया इसकी जो लागत बढ़ी तो कुल 340.31 करोड़ के वजह से ये प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष आया, इसको पास कर दिया गया। अब ये तापीय विस्तार परियोजना जो है ये चालू है, इस पर जनरेशन चल रहा है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में 1995 में इसका गठन हुआ था, 33 गाँव को इसमें शामिल करने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव आया। 33 गांव की
सूची इस पर लगी है, अलग अलग नक्कुर से हैं, रामपुर मनिहारन से हैं, सहारनपुर सदर से, सदर तहसील नक्कुर और रामपुर मनिहारन तीनों के 33 गांव को आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी कि ये 33 गांव सहारनपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किए गए।